क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? पागल वागल है क्या? तुझे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं देख रहा, मेरे सामने खड़ा है। और मेरे पास दो फ्लैट है, वो भी आपके नाम पे। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो यार तो फिल्म देखने चल गए ना। अरे यार बीबी मुझे पता ही है, जब सैलरी आएगी तब फिल्म देख लेंगे अपना। तुम्हारा ना हर बार का है यार, आज सैलरी नहीं मिली यार, आज पैसे नहीं है। कभी तुम अपनी तरफ से बोल देते हो कि ज्योति आज चल कुछ खाने चले, फिल्म देखने चल रहे। सैलरी आ जाएगी 11 तारीख की अपनी, तो फिल्म देख लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे। ज्योति दी तो पता है ना अपने हालात तो कैसे चल रहे हैं अभी। कभी तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। हेलो हेलो, कैसे ठीक है आपको? वो क्या है ना कि मैं आपको कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तो पसंद भी करता हूँ। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? पागल वागल है क्या? तुझे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं देख रहा, मेरे सामने खड़ा है। क्या हुआ, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ओ भाई क्या बोले जा रहा तू? ये मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं मैम से बात कर रहा हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है तुम बोल क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। देखो जो तुम्हें चाहिए ना वो सब कुछ है मेरे पास। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। देख लो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे किसी की गर्लफ्रेंड और किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, जाओ यहाँ से। कुछ नहीं चाहिए, देखो तो कुछ पैसे मेरे पास ये रख। नहीं चाहिए मुझे पैसे। अरे रख लो। तुम्हें क्या लगा इन पैसों के चक्कर में इसको छोड़ दूंगी? ये पकड़ो अपने पैसे है, जाओ यहाँ से। अच्छा लग रहा है कुछ कम है, एक काम करो आप ये मेरी गाड़ी का लीजिए, और मेरे पास दो फ्लैट है वो भी आपके नाम। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो? हाँ बिल्कुल बनूंगी। ये क्या बोले जा रही हो आप? तुम तो चुप रहो, 3 महीने हो गए तुमसे एक मूवी नहीं दिखाई जा रही है, अन्ना कहीं बाहर खाना खिलाने ले जाते हो। खुद की हालत देखो, फटीचे जैसी हो रही है और मेरी हालत भी अपने जैसी कर रखी है, तो तुम तो मेरे से बात ही मत करो। चलो बेबी तुम। ज्योति कहाँ जा रहे हो आप? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। मेरे लिए? हाँ। क्या बात है, फिर भी कहाँ जा रहे हैं हम? बताया तो सरप्राइज है, अब सरप्राइज ऐसे बता दूंगा फिर सरप्राइज थोड़ी रहेगा। हाँ ये भी है। राजेश तुम? हाँ मैं। पंकज बता सारी बात। दो भाई मैं अपनी गाड़ी की चाबी, और जो तुमने पैसे और गाड़ी की लालच मैं थी ना, वो दोनों भाई की है। पर अगर राजेश तुम्हारे पास गाड़ी और पैसे थे तो तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं आपको गिफ्ट करने आ रहा था गाड़ी, पर बीच में भाई ने सारा कुछ बता दिया। मैं अच्छे से जानता था कि तू जैसी लड़की प्यार कभी नहीं कर सकती, तुम लोग सिर्फ पैसों से प्यार करते हो। अरे ये तो तेरे लिए गिफ्ट लेके आया था। ये कौन? ज्योति? हाँ ज्योति। अरे भाई वो तेरे को चीट कर रही है, वो एक लालची लड़की है। कैसी बात करो पंकज भाई, आप ट्रस्ट नहीं है ना? नहीं। तो एक काम करो, मेरे पास एक प्लान है, बट तू इसे डिजर्व ही नहीं करती। सॉरी राजेश। राजेश भाई मैं तो पहले ही कह रहा था कि लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, चलो चलते हैं। राजेश इसकी बातों मत आओ, मेरी बात सुनो प्लीज।